प्लीज शाहरुख खान के फैंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शाहरुख खान ओ मैं अपना साइन भाई भूल गई। Assalamualaikum, welcome to Tani's World. मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग मैं लिफ्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे अक्सर ब्लॉग्स मेरे लिफ्ट में स्टार्ट हो रहे होते हैं क्योंकि हम हर जगह के लिए लेट हो जाते हैं। तो एनीवेज आज हम देखने जा रहे हैं मूवी जवान। और मैं आपको बता रही थी वो लिफ्ट में कोई आ गया था इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। तो हम जा रहे हैं जवान मूवी पे। अभी हमने इसके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज देखे हैं, पता नहीं अच्छी है कि नहीं। कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता नहीं अच्छी। एंड ये मेरी जैकेट है क्योंकि जो क्या होता है सिनेमाज होते हैं ना उनमें पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा एसी चल रहा होता है। तो लेट्स गो, मम्मा को पिक करेंगे एंड फिर निकल जाएंगे। तो चले हमारे साथ, राइट चांस है से राइट राइट। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ये रही लोकेशन सिनेमा की। एंड मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, तो बस जाके अभी हमने चीज़ें लेनी हैं जिनके बगैर मूवी नामुकम्मल है। और अभी भी कोई अभी तक नहीं आया, जब भी मूवी स्टार्ट होने में ना सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अम्मी को तो हमने पिक कर लिया था और शान से ये। ओके, तो अब हम आ गए हैं यहाँ, क्या कहते हैं, नैचोस लेने, जहाँ हमें लूटा जाएगा। सही पकड़े हैं। एलोपिनोस के नाम पे हमसे एक्स्ट्रा 15 दिरहम लिए जाएंगे, देखते हैं क्या क्या लेना है। ओके, तो अभी हमने नैचोस लेने हैं और फिर हम मूवी के लिए अंदर जाएंगे। नैचोस लेना तो ज़रूरी है, वो रखे हुए नैचोस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं हमारा नंबर जब तक आएगा ना मूवी स्टार्ट ही ना हो जाए। भाई को ये हमारी भी सुन लो, कोई है ही नहीं। ओके, फाइनली मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा है ये रहा। एंड जो चीज़ है वो ज़्यादा डालने को बोला तो है, आप देखते हैं। तो पॉपकॉर्न लूँ कि ना लूँ? ये आ गई। यस, नो हैलोपिनोस, नो हैलोपिनोस, हैलोपिनोस नहीं। फाइनली हम जा रहे हैं अब मूवी के लिए। ओके, मेरे आगे पूरी कॉम है इस मूवी को देखने के लिए, जब कितनी हमें अभी पता नहीं है, इसके रिव्यूज इतने बेकार आ रहे हैं ना, फिर भी हम देखने जा रहे हैं। जवान शाहरुख खान, जवान मतलब बस शाहरुख खान किसी में है तो बस जाना है, ऐसे नहीं होता है। फिर भी खैर देखते हैं, ऐसे ही होता है, बात तो सही है। चले अब अंदर हम जा रहे हैं, अंदर व्लॉगिंग करना मना है। मुझे मूवी के बीच में बाहर आना पड़ा क्योंकि इस सब चीज़ में ना मैं अपनी जैकेट शायद उस काउंटर पर भूल के आ गई हूँ, जो मैं सर्दी की वजह से लाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। अब देखें पता नहीं मिलती है कि नहीं, मैं वहीं जा रही हूँ, चेक करते हैं जैकेट। ये सीन ये कि मैं वापस आ गई हूँ, जैकेट नहीं मिली है मुझे। अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, शायद वो गाड़ी में ना हो। कैसा लगा मेरा मजाक? अब तो मूवी के बाद ही देख सकेंगे, तो दोबारा सिनेमा में चलते हैं। ओ मैं अपना सिनेमा ही भूल गई। छोटी बच्ची हो क्या? आई थिंक 6 था, शायद 6 था, लेट्स ट्राई। पता नहीं 6 था कि नहीं था यार। क्योंकि जब हम निकले थे तो डोर जो था ना वो फॉरन ओपनिंग पे था, आई थिंक ये वाला था। यस yes, यही था। मिलते हैं मूवी के बाद। मूवी फाइनली खत्म हो गई है। बड़ी मुश्किल से, बहुत मजे की रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको। तो मूवी खत्म हो चुकी है और ये कॉम आई थी साथ, तेरी मम्मा। मम्मी मूवी अच्छी लगी? शाहरुख खान के नाम पे कुछ भी हुआ है इस मूवी में, कुछ भी हुआ है। कमिंग, तुम जाओ
अभी बताती हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ इस मूवी में। तो हम मूवी देख के बाहर आ चुके हैं और मूवी में ना मुझे अब समझ में आया कि मिक्स्ड इमोशंस के साथ ये मूवी क्यों लोगों ने दिए हैं अपने रिव्यूज़ के। शाहरुख खान को रख के मूवी में कुछ भी दिखाया गया है। शाहरुख खान का एक तो पूर्ण जन्म बार बार हुआ है, मतलब शाहरुख खान की वजह से मेरे डबल पैसे वसूल, मतलब एक शाहरुख खान काफ़ी नहीं था, दूसरे को लिया है और मर मर के जिंदा हो रहा है, मर मर के। देखिए मैं शाहरुख खान के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पता है शाहरुख खान के बहुत से फैंस हैं जो उसे बहुत चाहते हैं, मगर कुछ भी किया है डायरेक्टर ने शाहरुख खान को रख के, कुछ भी किया है, मतलब मौत से तो ना विश्वास ही उड़ गया है मेरा बहुत। मतलब मूवी यार मैं क्या बोलूँ, बस मूवी समझ में नहीं आई। इन लोगों से पूछती थी आप तथीर तो फैन है तो तथीर तो बोलेगी अच्छी थी। शाहरुख खान था मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेबी तुम्हें पसंद आई? एक टिकट में दो मजे थे, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ये सही बोला इन्होंने, एक टिकट में दो मजे थे, मर मर के जिंदा हुआ है। माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो। तुम्हें पसंद आई? इन लोगों को पसंद इसलिए आई है क्योंकि ये लोग सब फैंस हैं। रजनीकांत उसे रजनीकांत ही बना दिया गया है। ओए ये सोई भी है, मैंने आसिफ को देखा। अगर आप फैन हो तो फिर आप नहीं सोगे। शाहरुख खान को देखिए गाइस, तो आज हमने बहुत एंजॉय किया। शाहरुख खान को दो दो बार देखा, इतने से पैसों में बार बार देखा, उसका पूर्ण जन्म देखा। और अब हम लोग डंकी की एडवांस, अब हम नीचे जा रहे हैं जो कि बहुत एहतियात से मुझे नीचे करना है क्योंकि मैं बहुत गिट्टी फटती रहती हूँ। तो अगर एक एक को आप, रश का टाइम होता है ना फिर बहुत मस्त। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको शाहरुख खान, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं आपकी तरफ भी अगर मतलब कोई मोजज़े देख रही हूँ मूवी में। मोजज़े पता है आपको, मिरेकल्स वो हो रहे थे। शाहरुख खान बस जहाँ आ रहा था बच रहा था, उसकी वजह से कोई ना कोई मरा जा रहा था। फोर्टी टू दिरहम्स हमने दिए इस मूवी के लिए, एक पाई ना, एक पाई जिसे कहते हैं वर्थ नहीं थी। पागल हो? अच्छा तो खैर हम लोग अब घर जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली शाहरुख खान की कोई मूवी में। नहीं प्लीज शाहरुख खान देखने आएंगे दिसंबर में हम लोग। जी नहीं, शाहरुख खान के फैंस प्लीज मुझे माफ कर देगा, मैं उसको बुरा नहीं कह रही। पार्टी बदल लिया साला, पर डायरेक्टर ने ना बस कुछ एक्स्ट्रा ही दिखा दिया है। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।